अलिस्किरिन ये मेडिकेशंस का मेन रोल क्या है, रेनिन की रिलीज को कम करता है, रेनिन की रिलीज को कम करता है, डायरेक्टली इनिबिट द रेनिन, लीडिंग टू द डिक्रीज लेवल ऑफ एंजियोटेंसिन 1, क्योंकि रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1, तो अब एंजियोटेंसिन 1 नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन 2 भी नहीं आएगा उसमें से बनेगा. इट हैज अ फॉलोइंग एक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये एंजियोटेंसिन की बात हो रही है, परफ्यूजन फिल्ट्रेशन वाली बात है, एल्डोस्टेरोन, तो ये तीनों के तीनों बेनिफिट्स उसमें आ सकते हैं. तो अलिस्किरेन के बारे में आपको ये पॉइंट याद रखना है, इनहिबिट द रेनिन रिलेज. एंजियोडिमा, अलिस्किरेन शुड नॉट बी यूज इन कॉम्बिनेशन विथ एसी इनहिबिटर्स एंड एआरबीएस. ये पॉइंट की है, दिस इज द की पॉइंट, यू मस्ट हैव टू रिमेम्बर. आप एक बार सोचिए कि आपने रेनिन की रिलीज को बंद कर दिया, आपने एंजियोटेंसिन की कन्वर्जन वाला जो पार्ट था वो भी बंद कर दिया, उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिग्निफिकेंटली जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ब्रेक मार दिया. अगर आप सिग्निफिकेंट ब्रेक मारोगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी रीनल इम्पेयरमेंट में. इसीलिए शुड नॉट बी गिवन इन अ कॉम्बिनेशन विथ एनी एस इनहिबिटर्स और एआरबीएस के साथ अलिस्किरिन नहीं दिया जाता है. ये आपकी की टेक अवे है, यहाँ से इसके बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. दिस अलिस्किरिन, वाई इट्स नॉट गिवन इन द कॉम्बिनेशन, बिकॉज इट्स एक्सेसिव सप्रेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, एंड दैट्स वाई दिस इज नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज इनडायरेक्टली दैट इज कॉजिंग द सिवियर डैमेज ऑन योर हार्ट एज वेल एज योर किडनी.